प्रिपरेशन करने से पहले थोड़ा अपने सेल्फ प्रिपरेशन कर ले, 6 महीना बेस बना लें, वो बहुत इफेक्टिव होता है कोचिंग करने से पहले। बेस बनाना बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पढ़ लें अच्छे से। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए यही है कि सबसे पहले NCERT प्रिपेयर करो। कोचिंग वाले मोस्टली बोलते हैं कि आप NCERT, कोई बोलता है पढ़ो, कोई बोलता है नहीं पढ़ो, लेकिन बेसिक नीड है, NCERT तो पढ़नी ही है। सच्चाई बताऊँ तो देख, पढ़ाई का माहौल तो है, पढ़ाई का माहौल नहीं है, बस गांव में लगे लोगों की, यहाँ मुखर्जी नगर जा रहे हैं वहाँ स्टॉप है, ये है, कुछ नहीं है यहाँ, यहाँ है सिर्फ मोह एक तरह का, जो फंस गया इसमें वो बर्बाद। यहाँ निरोड़ जारी चले, लड़कियों के पीछे मिलेंगे, हर बंदे के हाथ में सिगरेट मिलेगी, सारे ठेके पर लाइन में मिलेंगे, कुछ माहौल नहीं है, नाम है बस मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर, कुछ भी नहीं है, बर्बाद। ये तो कोचिंग से ऊपर कुछ डिपेंड नहीं रहता है, सेल्फ डिपेंड ज़्यादा मायने रखता है। कोई भी कोचिंग हमें कुछ नहीं बना सकती है, हमारा पर्सनल जो रहता है, अपना पर्सनल स्टडी कैसे कर रहे हैं। आप 6 घंटे अगर कोचिंग कर रहे हैं घर पे आके, फिर 12 घंटे 14 घंटे आप आराम कर रहे हैं, तो कोई भी कोचिंग नहीं करता। कोचिंग एक हमारा डायरेक्शन बताता है। हेलो मैम, आपका नाम? प्रीति। प्रीति, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? मैं UPSC के लिए। UPSC, कब से कर रही हैं मैम? मेरी लगभग 1.5 साल हो गया कोचिंग कंप्लीट हुई अभी। मैम, अभी अगर हम मुखर्जी नगर की बात करें, जैसा कि ये UPSC का हब कहा जाता है और हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेषकर बहुत ही क्राउडी एरिया है, तो मैम अभी यहाँ का माहौल कैसा है UPSC एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेकर तो माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन फील होता है एक तो, इतने सारे स्टूडेंट्स को देख के, तो इसलिए बेस्ट माहौल तो यहीं पे मिलता है जी। तो मैम कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन भी होता है यहाँ आने के बाद, तो आपको ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन महसूस हुआ यहाँ आने के बाद? नहीं, डिस्ट्रैक्शन मुझे तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि डिस्ट्रैक्शन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा जी। पर्सनली मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन फील नहीं हुआ यहाँ। मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, आपने दिया है? हो गया, इस पर मैंने दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सभी के कमेंट्स आ रहे कि सर UPSC 2023 की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप सबको प्रेपलर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। इनका कंटेंट मार्केट में सबसे बेस्ट कंटेंट है, जिसे प्रेपलर्ड की ड्रीम टीम मतलब UPSC की टॉप फैकल्टीज ने बनाया है। इतने अच्छे कंटेंट की वजह से इस बार के UPSC प्रीलिम्स 2022 में GS पेपर हेल्ड 88% कॉन्सेप्ट्स रिपीट फ्रॉम प्रेपलर्ड। इसका मतलब अब अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही शानदार है। तो पढ़ो उतना साइए जितना। UPSC का GS कंटेंट अब आपको 7500 में मिलेगा, बाकी कोचिंग की तुलना में बहुत ही। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और 24 आवर्स के लिए प्रेपलर्ड के प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस लें, वो भी एकदम फ्री। 24 आवर्स के बाद में भी करंट अफेयर्स मैगजीन भी मिलेगी, बजट इकोनॉमी सर्वे एनालिसिस मिलेगा, NCERT समरीज मिलेगी, प्रेप नोट्स मिलेंगे, प्रेप समरी मिलेगी, और भी अपनी UPSC की जर्नी को मजबूत बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ और चेक करो। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कैसा रहा मैम रिजल्ट, कैसा रहा? इस बार नहीं क्लियर हो पाया। मैम क्या वजह रही कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया? कुछ टॉपिक्स में नहीं हो पाया, जैसे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई मेरी, तो इसलिए नहीं हो पाया। मैम कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेषकर जो CSAT है वो बाधा बनता है, तो आप में ऐसा कुछ रहा जो CSAT आपके लिए प्रॉब्लम बना? नहीं, CSAT मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो CSAT तो समस्या नहीं है मेरे लिए। GS में ही थोड़े कम मार्क्स रह गए। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था मैम? मैंने की थी BSc मैथ्स ऑनर्स किया था। मैथ्स ऑनर्स कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा कॉलेज मैम? राजधानी कॉलेज। मैम जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें मुखर्जी नगर में आने से पहले? आने से पहले यही है कि पहले अपना बेसिक जैसे NCERT सारे कंप्लीट करके फिर कोचिंग लेने का फ़ायदा है जी। ऐसे मतलब रैंडमली कोचिंग लेने का फ़ायदा नहीं है, पहले अपने बेसिक क्लियर करो उसके बाद कोचिंग। मैम आपने NCERT कंप्लीट कर लिए? हाँ जी, मैं तो कोचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी। कोचिंग आपने कंप्लीट, ऑप्शनल? ऑप्शनल हिंदी साइड का। हिंदी साइड जी जी। तो मैम अल्टीमेटली आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को यहाँ दिल्ली और मुखर्जी नगर में आने से पहले हिंदी मीडियम वाले छात्रों? हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए यही है कि सबसे पहले NCERT प्रिपेयर करो। कोचिंग वाले मोस्टली बोलते हैं कि आप NCERT, कोई बोलता है पढ़ो, कोई बोलता है नहीं पढ़ो, लेकिन बेसिक नीड है, NCERT तो पढ़नी ही है। NCERT पढ़नी है। हाँ जी, उसके बाद ही कोचिंग आओगे तो फ़ायदा है जी।
मैम मुखर्जी नगर में आने के बाद पीजी फ्लैट्स इन सब का इशू होता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ रहा है? या पीजी का इशू तो रहता है, बजट से बाहर हो जाते हैं पीजी। जैसे कितना बजट है मैम अभी? जैसे सिंगल रूम भी अगर आप लोग देख रहे हो तो सिंगल रूम कैबिन ही मिलते हैं 9,000 तक, तो मिनिमम है 9,000, तो बजट से बाहर तो जाता ही है जी। मैम आपने पहला अटेम्प्ट दिया और आपका प्रीलिम्स में कुछ वजह से रह गया, तो क्या वो वजह रही आप बता सकती हैं? वजह है जैसे एक तो मेरी हिस्ट्री कहीं ना कहीं वीक रह गई, इसीलिए नहीं हो पाया। हिस्ट्री की वजह से? हाँ जी जी। ओके, आने वाले अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू फॉर गिविंग योर वेलकम। थैंक यू। नाम भाई अभिनव। अभिनव कहाँ से हैं सर? मैं बागपत डिकोली। ओके, तो सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में? हाँ भाई। कब से कर रहे हैं सर? मुझे हो गया एक साल। एक साल? और यहाँ मुखर्जी नगर में कब से रह रहे हैं? मैं मुखर्जी नगर में 1.5 साल हुआ अभी जी। तो अगर सर अभी मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में जानना चाहें तो यहाँ का अभी कैसा माहौल है, स्टूडेंट्स का इतना क्राउड है तो? माहौल भाई डिपेंड करता है बंदे पे। अच्छा, सच्चाई बताऊँ तो देख पढ़ाई का माहौल तो है, पढ़ाई का माहौल नहीं बस गांव में लगे लोगों की, यहाँ मुखर्जी नगर जा रहे हैं वहाँ स्टॉप है, ये है, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ है सिर्फ मोह एक तरह का, जो फंस गया इसमें वो बर्बाद। यहाँ निरोड जारी चले, लड़कियों के पीछे मिलेंगे, हर बंदे के हाथ में सिगरेट मिलेगी, सारे ठेके पर लाइन में मिलेंगे, कुछ माहौल नहीं है। नाम है बस अभी मुखर्जी नगर, कुछ भी नहीं है, बर्बाद है जिंदगी। आपका कहना हुआ कि यहाँ ना मतलब बर्बादी मुखर्जी नगर में? हाँ भाई। तो सर ऐसा क्यों आपको लगा? आप यहाँ रह रहे हो तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे क्या लगा, दो दिन तो घूम के देख, तुम घूम के हाँ मेरी साथ चलता है, दिखाऊंगा माहौल। सच्चाई हमने देखी है, हर लड़का लड़की के हाथ में हाथ घेर के मिलेगा तुझे। अच्छा, सिगरेट पीता मिलेगा, दारू पीता मिलेगा। सर आप किस कहाँ कोचिंग कर रहे हो, किस कोचिंग? कोचिंग भाई अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है, ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा नया नया, अभी इतना एक्सपीरियंस है। कोई ऑफलाइन कोचिंग आपने नहीं लिया? नहीं। ठीक है सर, तो आपने अभी कोई अटेम्प्ट दिया या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा? अभी तो कोई नहीं अटेम्प्ट। ओके सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। ठीक है भाई। हेलो मैम, आप कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से? हाँ। मैम अभी जैसा कि हम यहाँ जानकारियाँ ले रहे हैं कि मुखर्जी नगर में आने के बाद यहाँ कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस एक एस्पिरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, तो मैम आप बता सकते हो कि यहाँ आने के बाद एक एस्पिरेंट्स के लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन आती है? सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन तो होते हैं कि हमको सही दाम पे अच्छे से रूम नहीं मिल पाता है, अच्छे जगह पे रूम नहीं मिल पाता है, पहली डिस्ट्रैक्शन ये है। 10 दिन यहाँ रहो, 10 दिन वहाँ रहो, मकान मालिक बोलेगा आज यहाँ पे चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारे रहने का होता है, सुविधा का, खाने पीने से लेके ये सब का। दूसरा है खुद का पर्सनल डिस्ट्रैक्शन जो होता है हमारी लाइफ में, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन है, फ़ोन से दूर रहो, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो फ़ोन ही है। बाकी अगर आप ठीक हो तो आपको ये भौतिक वातावरण जो है आपके ऊपर ये कुछ हावी नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप किसकी तैयारी करते हैं? मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। आईएएस की? हाँ। मैम कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ। अच्छा, यस। और बहुत सारी कोचिंग्स मैम यहाँ खुली हुई, तो कैसे जाने की कौन सी कोचिंग बेस्ट है? ये तो कोचिंग से ऊपर कुछ डिपेंड नहीं रहता है, सेल्फ डिपेंड ज़्यादा मायने रखता है। कोई भी कोचिंग हमें कुछ नहीं बना सकती है, हमारा पर्सनल जो रहता है या अपना पर्सनल स्टडी कैसे कर रहे हैं। आप 6 घंटे अगर कोचिंग कर रहे हैं घर पे आके, फिर 12 घंटे 14 घंटे आप आराम कर रहे हैं, तो कोई भी कोचिंग नहीं करता। कोचिंग एक हमारा डायरेक्शन बताता है, हमें अच्छे दिशा बताते हैं क्या क्या हमें कैसे करना चाहिए बस, और बाकी सारा अपने पे खुद पे डिपेंड रहता है, कोचिंग पे कुछ डिपेंड नहीं रहता है। जी मैम, मुखर्जी नगर में आने के बाद बहुत तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करने पड़ते हैं, जैसे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे तो मैंने तो बता ही दिया आपको, स्टार्टिंग में रहना, खाना सब बहुत ज़्यादा। फ्रॉड वगैरह भी होता है, ब्रोकरेज वगैरह, ये सब इसके कैसे बचे? मैं खुद सेल्फ डिपेंड रहती हूँ, इसलिए मुझे ब्रोकरेज से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं जहाँ भी रूम देखती हूँ खुद से देखती हूँ, मैं किसी ब्रोकर के थ्रू आज नहीं गई हूँ जी। और मैम जो गांव से लड़कियाँ आना चाह रही हैं उनके लिए कौन सी व्यवस्था सबसे सही रहेगी, जैसे पीजी फ्लैट किस में जाएगा? फ्लैट ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, फ्लैट सही रहेगा, पीजी तो थोड़ा महंगा हो जाता है जी। फ्लैट सही रहेगा, अगर 3-4 लड़कियाँ मिल के रहना चाहे तो फ्लैट थोड़ा सस्ते में हो जाता है, और बाकी उसमें भी एक बार सारा सामान अपने से लेना पड़ता है, फिर हमेशा के लिए जितना रहना है 1-2 साल, तो फिर वो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है उसमें जी। मैम अगर हम यहाँ का एडवांटेज देखें मुखर्जी नगर में, किस चीज़ का एडवांटेज है तो आप क्या? मुखर्जी नगर में एडवांटेज है ये जो हमारा वातावरण है, माहौल, थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल रहता है। अगर आप अच्छी जगह से अच्छे लोगों से आपकी मित्रता है तो माहौल जो है पढ़ाई का माहौल रहता है, ये एडवांटेज रहता है। हालांकि डिस्ट्रैक्शन भी तो है, बाहर निकलो तो डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन आप जिस पे फोकस कर रहे हो आपको वो चीज़ मिलेगी हर जगह पे। बात करके बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? जी मैं तो प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से? सर आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम हुआ सक्षम तिवारी। ओके, तो सर मुखर्जी नगर में आप कब से रह रहे हो और किसकी तैयारी कर रहे हो? जी मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन था मेरा। अच्छा, तो मैं तो 2019 से रह रहा हूँ और अभी तो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो रही है, कॉलेज खत्म हो गया है। जी, तो सर किस कॉलेज में थे आप? जी मैं श्री अरबिंदो कॉलेज में था, साउथ कैंपस। अच्छा, तो सर कब से तैयारी आप कर रहे हो और अगर हम जानना चाहें तो दिल्ली यहाँ मुखर्जी नगर में आप रह कब से रहे हैं? मुखर्जी नगर में रहते हुए हो गया 6 महीने लगभग। 6 महीने और तैयारी करते हुए? तैयारी करते हुए 1.5 साल। ओके, तो सर अभी मुखर्जी नगर का माहौल कैसा है? यहाँ के कोचिंग्स और छात्रों का इतना ज़्यादा क्राउडिंग है, तो सर माहौल यहाँ का अभी कैसा है? माहौल तो ठीक है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब एक जगह ही रहते हैं तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में थोड़ा हेल्प मिल जाती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट कर पाते हैं, तो एक तरह से बढ़िया एनवायरनमेंट है पढ़ने लिखने के लिए। और मुखर्जी नगर तो हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी के लिए फेमस है। हिंदी मीडियम के लिए? हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए तो करोल बाग है और राजेंद्र नगर है। अच्छा, तो मतलब देख सकते हैं कि क्राउड बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, लाइब्रेरी वगैरह हैं और कोचिंग वगैरह खुली है, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, तो सब बढ़िया चीज़ें हैं। तो कोचिंग सर कौन सी कोचिंग कर रहे हो आप? मैं तो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सेल्फ ओनली कोचिंग करेंगे या ओनली सेल्फ? नहीं, सेल्फ ही करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर आप अंत तक कुछ बताना चाहेंगे कि जो छात्र गाँव से या कहीं से आना चाह रहे हैं यहाँ मुखर्जी नगर में शिफ्ट होने के लिए, तो उनको आने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनको आने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मुखर्जी नगर में गांधी विहार की साइड रूम सस्ता मिलता है, ठीक है, और मतलब प्रिपरेशन करने से पहले थोड़ा अपने सेल्फ प्रिपरेशन कर ले, 6 महीना बेस बना लें, वो बहुत इफेक्टिव होता है कोचिंग करने से पहले। बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पढ़ लें अच्छे से, ठीक है, और थोड़ा मतलब राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, और एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए, दोस्तों के अच्छा मतलब वो होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू।